तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर फेसबुक पर किसी ने आपके फोटो को अपलोड किया हुआ, यानी कि फेसबुक पर कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें आपकी फोटो को यूज किया गया है और आपके फोटो के साथ कुछ गलत लिखा गया है या कुछ भी इस तरीके का है, कोई भी फेसबुक पर ऐसा पोस्ट है जिसमें कि आपका फोटो है और आप चाहते हो कि उसे रिमूव करवा दो, यानी कि आप उसे हटवाना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसी तरह के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर फेसबुक पर कोई भी पोस्ट है जिसमें आपका फोटो हो, आप उसे किस तरीके से रिमूव करवा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसी तरह के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस इस तरीके से किसी भी फेसबुक पोस्ट में अपने फोटो को, अगर आपने आपके फोटो को किसी ने अपलोड किया है, तो उसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, तो सिंपल आपको वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्रोम ब्राउजर में कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ ओपन हो जाओगे, आपके सामने फेसबुक का एक फॉर्म यहां पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिपोर्ट, यानी कि आप किस चीज़ का रिपोर्ट करना चाहते हो। यहाँ पर आप वीडियो का भी रिपोर्ट कर सकते हो, फोटो का भी रिपोर्ट कर सकते हो, या कोई और चीज़ है तो उसका भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। किसी ने टेक्स्ट लिखकर ही आपके बारे में कोई टेक्स्ट लिखकर यहाँ पर पोस्ट किया है तो उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। मान लीजिए मुझे फोटो का रिपोर्ट करना है, तो सिंपल आपको फोटो पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस आएगा जो कि होगा व्हाट टाइप ऑफ फोटो यू आर यू ट्राइंग टू रिपोर्ट, यानी कि किस तरह के फोटो को आप रिपोर्ट करना चाहते हो, वो प्रोफाइल पिक्चर है या फिर कोई अदर फोटो है। तो यहाँ पर मैं किसी अदर फोटो को रिपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको अदर फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो, इन द US, आउटसाइड द US। तो अगर आप US में हो तो आपको ऊपर वाले को क्लिक करना है, अगर आप US से बाहर के कंट्री के हो तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अब आप जैसे यहाँ पर चूज़ करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सिंपल आपको ये बताना है कि आखिर आपके पास उस पोस्ट का URL है फिर नहीं है, यानी कि जो URL होता है उस पोस्ट का वो आपके पास है या फिर नहीं, यानी कि फेसबुक पर वो पोस्ट अभी भी है या फिर डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपको URL मिल सकता है तो आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा यस आई हैव ए URL, अगर आपको URL नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल अभी मैं यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे URL मिल सकता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा जो कि होगा हुज प्राइवेसी इज़ बीइंग वायलेटेड, यानी कि किसके प्राइवेसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप तीन ऑप्शन देखोगे, माई प्राइवेसी, माई चाइल्ड प्राइवेसी। तो यहाँ पर मुझे माई प्राइवेसी से लेकर दिक्कत है, तो आपको माई प्राइवेसी पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लिंक यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बॉक्स जहाँ पर लिंक URL ऑफ द कंटेंट इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको उस URL को पेस्ट कर देना है, उस पोस्ट के URL को जिस पोस्ट में आपके फोटो को यूज किया गया है। तो सिंपल आपको फेसबुक पर जाना है, उस पोस्ट पर जाना है। तो मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका जो भी फोटो हो उसका आपको यहाँ पर URL कॉपी करना है। मान लीजिए ये वो फोटो है जिसे मैं रिमूव करवाना था, तो जिसमें मेरा फेस है, जिसमें मैं हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर सबसे आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेंगे, 3 ऐसे डॉट आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉपी लिंक का, अब सिंपल आपको इस पोस्ट का लिंक यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपको फिर से उसी फॉर्म पर बैक जाना है। देन यहाँ पर जो जहाँ पर आपसे लिंक मांगा जाता था वहीं पर आपको इस लिंक को इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। तो इतना करने के बाद योर फर्स्ट नेम आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। तो गाइस यहाँ पर सर नेम इंटर करने के बाद नीचे आपको ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा ईमेल एड्रेस दे देना है जो कि आपके पास हो, जिस पर मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस कोई भी दे देना है, तो मैं यहाँ पर कोई एक ईमेल एड्रेस अपना दे देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है, देन आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद सेंड का ऑप्शन आपको मिलेगा, सेंड पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले कैप्चा इंटर करना होगा, जो यहाँ पर आप कैप्चा देख रहे हो उसे आपको ध्यान से इंटर करना है, जैसे कि कैपिटल लेटर का EM है, फिर J है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर इंटर करना है देख कर। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गलत इंटर करोगे तो ये सबमिट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कैप्चा को इंटर कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो फेसबुक टीम के पास सेंड हो जाएगा। अब फेसबुक टीम आपके रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से रिव्यू करेगी, जिस पोस्ट को आपने यहाँ पर रिपोर्ट किया है उसे पूरी तरीके से चेक किया जाएगा। और यहाँ पर अगर उन्हें लगता है कि इस पोस्ट में आपका फोटो है, आपके बारे में कुछ गलत इस पोस्ट में कहा गया है, ये पोस्ट 100% फेसबुक से रिमूव हो जाएगा। आपको जीमेल पर मैसेज भी आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, देन आपको मैसेज मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके के फोटो को रिमूव करने का जो भी तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, सिंपल आप इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आपसे मिलता है किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।